global advertiser for innovative outdoor solutions. रानी जी को बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? आज चोर मचाए शोर की शूट चल रही है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का पहले वेलकम हमारे सेट पे। चोर मचाए शोर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमिक एक्शन एंड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है एंड मेरा कैरेक्टर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शेड्स है मेरे कैरेक्टर में। मेरे कैरेक्टर का नाम दुर्गा है, लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं, बहुत कुछ करते नजर आऊँगी इस फिल्म में। अच्छा, ये चोर जो होता है सिर्फ सामान या पैसे चोरी करते हैं, चोर और क्या चोरी करते हैं? नो, चोर मेरा दिल चोरी नहीं कर पाता, इतना बड़ा चोर नहीं है। वो तो छोटी मोटी चोरियाँ करता रहता है और चूँकि मैं इसमें पुलिस वाली हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हीरो चोर है और हीरोइन पुलिस है, तो ये चोर बिल्ली चूहा बिल्ली वाला स्टाइल का खेल देखने को मिलेगा। इसी बीच में दोनों प्यार में कब पड़ते हैं, प्यार कब होता है, ये सब तो फिल्म देखने के बाद मज़ा आएगा। ऐसा नहीं, इसमें मैं पुलिस हूँ और हीरो चोर है और मनोज टाइगर भी इसमें चोर हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। मैं बोल नहीं सकती, जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। तो इस फिल्म को बना रहे भोजपुरी के महानायक कहे जाते हैं, क्या सोचा? आई एम वेरी हैप्पी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ मैंने इतनी बार स्क्रीन शेयर किया है। जब उन्होंने कहा कि वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करने का सोचा, तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जब कोई सीनियर एक्टर फिल्म बनाते हैं और वो हमें अपनी फिल्म के लायक समझते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन किरदार दिया। इसमें मेरे साथ जो हीरो हैं आकाश हैं, आकाश बहुत ही टैलेंटेड हैं, पूरे चोर लग रहे हैं इस फिल्म में। अंजना सिंह हैं, अंजना का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो गांव की बड़ी अल्हड़ टाइप की लड़की है, उसका मेरा बहुत टशन है फिल्म में, क्योंकि मैं बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की हूँ और वो गांव की है, तो लोगों को ये भी देखने मज़ा आएगा। सौतन स्टाइल का झगड़ा है हम दोनों के बीच में और गाँव में से कई सारे कैरेक्टर्स हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अवधेश हैं और संजय जी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। टोटली मसाला फिल्म है चोर मचाए शोर। 2018 आ चुका है, क्या कुछ नया आपका रिलीज किया? रिलीज़ पे 3 फिल्में हैं। सबसे पहले तो आएगी बेदर्दी इश्क बड़ा बेदर्दी है, देन चोर मचाए शोर होगी, सखी के बिया अभी भी करके आई हूँ, वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, आई थिंक होली पर आ जाएगी। और अभी और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम कर रही हूँ। रानी चटर्जी के अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आजकल फोटो एक वायरल हो रहा है, क्या है कुछ उसका रहस्य बताइए? कौन सी फोटो? रितेश पांडे के साथ। ओह अच्छा, रितेश बैठे हैं और मैं पानी की बोतल लेके सोई हुई हूँ, राइट। वो है कुछ है, वो उसका ब्लास्ट होने वाला है, थोड़ा वेट करो, होगा बहुत जल्दी ब्लास्ट होगा वो भी। और कुछ दिन पहले एक और ब्याह को लेकर बहुत चर्चा का था, शादी को लेकर। एक्चुअली पता नहीं ये साल में जो फिल्में साइन कर रही हूँ ना, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो शादी को लेके ही है और टाइटल भी जो है मैक्सिमम शादी को लेके है। ये पता नहीं मेरे साथ ये कोई इंसिडेंट है या पता नहीं लोग सिर्फ शादी के टाइटल्स ही लेके मेरे पास आ रहे हैं। तो वो एक शादी की एक न्यूज़ थी, ना कि मेरी कोई शादी की न्यूज़ थी। सखी के ब्याह में मैं गई थी, ना कि मैं अपने ब्याह में गई थी। बट ठीक है, लोग मेरी शादी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, करते रहे। सखी के ब्याह तो आपने करवाने गए थे, लेकिन आप खुद ही सुने उसको ब्याह करने। अरे वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। कुणाल जी के बेटा आकाश सिंह के बारे में क्या सोचा, कैसा केमिस्ट्री है उनके साथ? मेरी उनके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे ह्यूमन भी हैं। और इसमें एक और हीरो एंट्री ले रहे हैं कुंदन, जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के लिए कुंदन एक बहुत ही अच्छे निखर के आएंगे, क्योंकि ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन। हाय हाँ, तुम्हारी बात हो रही है। एंड ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन और आई थिंक यंगस्टर्स के लिए कुंदन एक बहुत ही यंगस्टर्स के लिए कुंदन बहुत ही उनके बीच में, वो कहते हैं ना, वो यंगस्टर्स का हीरो होता है, वो बन के कुंदन नज़र आएंगे इस फिल्म में। अभी सलमान खान की शादी नहीं हुई है, कुछ आप सोच रहे हो बात करने की? नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी, रहने दो या माफ कर दो। सलमान खान ही इज़ माई फेवरेट एक्टर एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और ऐसा नहीं है ये बिल्कुल ये बहाना ना करें वो कि लड़कियों की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एक बार बोल दें कि मुझे शादी के लिए स्वयंवर रचाना है तो मुझे लगता है कि वो इतिहास हिस्ट्रिकल स्वयंवर होगा उनका, तो मुझे लगता है उनको अब शादी कर लेनी चाहिए, डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपके लिए स्वयंवर रखा जाए? बिल्कुल नहीं, मुझे भी स्वयंवर की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप आजकल नए हीरो के साथ एंट्री मार रहे हैं, क्या रीजन है? मैंने पुराने के साथ एंट्री कब मारी थी? न्यूज़ तो ये होनी चाहिए जब मैं किसी पुराने के साथ आऊँ। पता नहीं एक कोइंसिडेंट रहा है मेरे साथ कि मैं हमेशा से नए एक्टरों के साथ ही, क्योंकि जो भी मेरी फिल्में रही हैं, बॉलीवुड का सलमान खान हीरोइन को लॉन्च करता है, भोजपुरी इंडस्ट्री की रानी चटर्जी हीरो को लॉन्च करता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि नए नए एक्टरों के साथ मेरी फिल्में आती हैं, नए नए एक्टरों का एंट्री होता है। जब मैं आई थी तब ऐसा कोई भी नहीं था जो नए हीरोइनों को या नए हीरो लोगों को कास्ट करे, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा समझती हूँ कि हर एक्टर, क्योंकि हर एक एक्टर नया होता है, उन्हें एक मौका मिलने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने जब करियर की शुरुआत में भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी नए एक्टर के साथ काम करने में। और वैसे भी जो मेरी फिल्में होती हैं वो मैक्सिमम मेरे ऊपर होती हैं, तो प्रोड्यूसर्स भी सोचते हैं कि नया एक्टर कोई लॉन्च करें। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। और इसमें जैसे आपने देखा होगा कि मैं पुलिस के वर्दी में नहीं हूँ, मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ यहाँ पे, और एक गांव में मैं सीक्रेट मिशन के लिए आई हुई हूँ। और वो सीक्रेट मिशन क्या है, किसके लिए है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। अब सारा सस्पेंस मैं यहाँ नहीं खोलना चाहती। नया साल मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, 2018 बहुत सारी चीज़ें इस ईयर मैंने सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करूँ। और मैंने अभी अभी अपनी वेब सीरीज़ शुरू करने का सोचा है जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसकी शुरुआत मैंने एक कवर सॉन्ग से शुरू की है, आप लोगों ने शायद प्रोमोज देखे होंगे। परसों रिलीज़ हो जाएगा कवर सॉन्ग और उसके बाद वेब सीरीज़ शुरू हो जाएंगी, तो वेट एंड वॉच। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस। ग्लोबल एज अ कंपनी it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.